सांगड़ में पीएस संजोरो थाने की हदूद में जराइम की शरह की क्या सूरत हाल है, इस बारे में तफसील बता रहे हैं इशफाक सुलहरी। जी इशफाक, आगाह कीजिएगा। जी सर, पीएस संजोरो की अगर बात कर ली जाए तो पीएस संजोरो के अंदर जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, इसकी थोड़ा सा ग्राफी सूरत हाल बता दी जाए तो उस वक्त यह है कि यहाँ पे संजोरो के अंदर क्राइम के हवाले से बहुत बड़े यहाँ पे जो वाकया रूनुमा हो चुके हैं वो माजी के अंदर इफ साहब के दौर के अंदर सांगड़ जहाँ के इलाके के चेयरमैन और बिजनेसमैन को यहाँ से अगवा कर दिया गया था, जिसको पुलिस का काउंटर में तमाम को यहाँ पे हला कर दिया गया था और जो जहाँ अगवा वादा कर संजोरो के अंदर इस वक्त पीएस के अलावा जहाँ पे पुलिस चौकियाँ भी मौजूद हैं, इलाका जो है वो दही और शहरी इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी जो है वो शहर के हदूद के अंदर है, लेकिन दही इलाका बहुत ज़्यादा है। क्राइम के हवाले से इस वक्त कहा जा रहा है कि इलाके के अंदर जो तेल की जो बड़ी पाइपलाइन भी गुजरती है और बहुत से जहाँ पे जराइम लोग पैसा जो लोग थे उनको जहन्नम नसीब करने के साथ साथ बहुत सारे उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही हैं। मोहम्मद अली जरदारी जो SHO संजोरो, इनका एक बड़ा नाम है इस इलाके के अंदर, पुलिस के अंदर बहादुरी के लिए एक नाम लिया जाता है। जहाँ पे भी ये होते हैं, राड़ी हो, शाहपुर चाकर हो, शदादपुर हो, और इस तैनात हैं पुलिस के आला अफसरान पर का बहुत ज़्यादा अहतमाद है। इसलिए नहीं कि जरदारी फैमिली से, लेकिन इसलिए कि जो बहादुर का नाम है। उनके आने के बाद यहाँ पर क्राइम की सूरत क्या है, मोहम्मद अली जरदारी सर, कहा जाता है कि आप जरदारी फैमिली से बड़े आसिफ अली जरदारी के क्लोज हैं और आपको नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारा काम ही सब कुछ है। मैं पहले पुलिस अफसर हूँ, बाद में मैं जरदारी हूँ, बाद में कुछ और। फर्स्ट ऑफ ऑल आए मैं पुलिस अफसर, मैं अपने काम से दिलचस्पी अपनी वर्दी के साथ अपने महकमे के साथ अपने सर धड़ की बाजी लगाता हूँ और उसके साथ मैं सच्चाई से काम करता हूँ। इसीलिए बाला अफसरान जो हैं वो जो है खुश हो के मुझे जो है वो पोस्टिंग दे देते हैं, क्योंकि मैं काम करता हूँ। मैं नाम का जरदारी ज़रूर हूँ पर मैं प्रोफेशनल पुलिस अफसर हूँ। क्या क्राइम की सूरत हाल है? पहले तो आपको पता है आपका इलाका है, हम जब यहाँ से इलेक्शन की वजह से आउट हुए थे नौशरो फिरोज, तो यहाँ पे 4-5 जो है स्नेचिंग संजोरो के हदूद से डेली होती थी बाइक्स। अब मेरे आने से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़ीरो पे आ गई हैं। मैंने अपनी जो स्ट्रेटजी इसी तरह बनाई हुई है, क्योंकि हम पुराने या आगे रोड रस्तों के वाकिफ़ हैं, वहाँ पे हमने जहाँ पे भी थोड़ा गैप है, जहाँ पे रोड टूटे हैं वहाँ पे हम अपना गश्त बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं वो सहारा लेते हैं, जहाँ पे डाइवर्शन होती है, बाइकें स्लो होती हैं तो वो अपनी कार्रवाई डालते हैं। तो हम वेल अवेयर हैं अपने जो है इलाके से, इसीलिए हम अपनी नफरी को डिप्यूटी वहाँ करते हैं। क्राइम की शराह इस वक्त कम है या ज़्यादा है? क्राइम आपके सामने है, मीडिया की नज़र में है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, अगर थोड़ा भी कुछ होता है, किसी से मोबाइल छीन जाते वो भी आ जाती है सोशल मीडिया पे, तो आप सोशल मीडिया चेक कर लें, क्राइम का रेशो आपको पता है। बाला ऑफिसर जो आपके हैं उनसे अगर कोई काम पड़ जाता है सदर साहब में तो आपसे सिफारिश कराते हैं या नहीं कराते? नहीं, हम गरीब आदमी, हमारी वो लेवल नहीं है, हम नाम के जरदारी हैं। बहरहाल वो हमारे क्या है आपके साथ, वो जरदारी साहब हमारे बड़े हैं, हमारे कौम के सरदार हैं, हमारे बड़े हैं, पर कम्युनिटी का क्या आपके साथ यहाँ पे? बस ये है कि कम्युनिटी के साथ हमारे रिलेशनशिप जो है वो बिरादराना है। कोई भी गरीब आता है हम वही इज्जत देते हैं जो वो इज्जत के लायक होता है, क्योंकि हमारा काम है सबकी इज्जत करना, हम आवाम के खादिम हाकिम नहीं हैं। जी हम आवाम के खादिम हाकिम नहीं हैं, आसिफ अफजल जरदारी समेत तमाम लोग जो हमारे मोहसिन हैं बड़े हैं, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर पुलिस ऑफिसर हूँ और ऑफिसर के हिस्से से यहाँ पे क्राइम पे कंट्रोल कर रहा हूँ, और यही वजह है कि मैंने अपने क्राइम को कंट्रोल किया और अपने इलाके के अंदर अपना अगर नाम बनाया तो अपने वर्दी की बिना पर बनाया। ये थे मोहम्मद अली जरदारी, उम्मीद की जाती है कि आने वाले दिनों के अंदर इनके इलाके के अंदर जराइम को मज़ीद कंट्रोल करने के साथ साथ कम्युनिटी और नौजवान नस्ल के लिए उम्मीद की जाती है कि ये बेहतर से बेहतर काम करेंगे, और जहाँ पर ख्वातीन पर जो जराइम के हवाले से कहा जाता है कि ख्वातीन पर जो अगर ज़्यादती होती है उसको भी कंट्रोल करने में अपना हुमेत राइट्स के हवाले से बहुत सारा काम करेंगे, और आने वाले दिनों में उम्मीद की जाती है कि ये कम्युनिटी के साथ मिलकर नौजवान के लिए यहाँ पर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के साथ साथ दीगर जो जहाँ पे जो सरगर्मी है उसको भी यह रूप पे देंगे।
यकीनी तौर पर इनको अपने नाम के साथ साथ अपने काम पर फख्र है। उम्मीद की जाती है कि इलाके की आवाम भी इन पर यूँ ही फख्र करेगी। कैमरा टीम के साथ इशफाक सुलेख सा।